यादव वो तो चाहते हैं कि यादव समाज को बताओ कि श्रीकंठ तुम्हारे थे, कि अपना अपना एक एक देवी देवता पकड़ करके टहलो। अगर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश में तकलीफ है क्योंकि बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ले ली, तो अपनी जाति का ले लो। कृष्ण है तुम्हारी जाति के, लौको समीकरण यहाँ चल रहा है बिहार में। अपनी अपनी जाति पकड़ लो, कुशवाहा अपनी जाति पकड़ ले, कुर्मी अपनी जाति पकड़ ले, सबके पास एक एक भगवान है। इसलिए कभी संभोग वध की चर्चा नहीं करता क्योंकि काल्पनिक चीज की चर्चा क्यों करूं। 2014 से पहले जो तमाम देवी देवता खुश रहते थे, 2014 के बाद अचानक से उग्र हो गए। आप पहले वाले राम को देखिए, बड़े आपको सौम्य शालीन दिखेंगे। 2014 के बाद अचानक से तीर कमान तन गया, युद्ध की मुद्रा में हमेशा है। 2014 के पहले जो बजरंगबली बड़े शालीन रहते थे हाथ जोड़े हुए, वो गाड़ियों के पीछे चिपके हुए गुस्से में नजर आने लगे, एकदम रौद्र रूप लिए हुए। जो शंकर भोले भाले कहे जाते थे, उस शंकर का स्वरूप देखिए आप किस तरीके कर दिया है। अम्बेडकरवादी होना ये कोई 5 मिनट का कोई ऐसे नहीं है कि हमने बड़े जोर जोर से जय भीम के नारे लगा दिए या नमो बुद्धाय बड़े जोर से कह दिया, बाबा साहब को पूज लिया, उनकी तस्वीर को अगर दिखा दी, इतना आसान नहीं है। अंबेडकरवादी होना, तर्कवादी होना, अर्जकवादी होना एक कठिन तपस्या है कि मेरे जैसे तमाम भाषणवीर जो मंचों पर मनुवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, संविधानवाद की बातें करते हैं, उन्हीं के घरों में तमाम लोगों के मनुवाद के एजेंट पल रहे होते हैं। हम बताते हैं बच्चे, बेटा गोबर है गणेश समझ के मत पूजना, घर में नहीं समझाया, वो गोबर को गणेश बना के पुजवा रहे हैं। बच्चों को अंबेडकरवादी बनाना है तो उससे पहले तर्कवादी बनाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आस्था और अंधविश्वास में क्या बारीक फर्क होता है। हैरत की बात यह है कि इस देश में लोगों को मूर्ख बनाना तो आसान है, ये समझाना मुश्किल है कि मूर्ख बना दिए गए। अगर आप संवैधानिक लोग हैं तो इंटरकास्ट मैरिज से अच्छा मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने का। यही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने कहा, और यही जाति पाति तोड़क मंडल बनाकर के संतराम बी.ए. प्रजापति ने कहा। और अंतर जाति विवाह से सोचो कितनी सूरवीर और महान संतान पैदा होती है। शिवाजी सबसे बड़ा उदाहरण है। जीजाबाई जाधव कुल से थी और उनके पिताजी शाहजी भोसले भोसले कुल से थे, जिनको लोग कुन भी मानते हैं वहां पे महाराष्ट्र में। दोनों से उत्पन्न कितने पहले का अंतर जाति विवाह था, उससे उत्पन्न संतान शिवाजी जैसी वीर हुई, जिसने मनुस्मृति के नियमों को तोड़ते हुए सबसे पहले भास्कर कुलकर्णी का गला अपनी भरी अदालत में काट दिया था, जिसने मनुस्मृति के नियमों को तोड़ते हुए अपने बेटे शाहजी भोसले को तमाम वेदों का अध्ययन करवाया था, जबकि उस समय शूद्रों को मना था ये सब कराना। कि जब इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में आओ तो प्लीज गाड़ी में 5 लोग अगर बैठे हैं तो 5 लोग एक जाति के बैठा करके मत लाओ। गाड़ी में अगर 5 पुरुष हैं तो 1-2 महिलाएं बैठा लो घर की। और घर में अगर एक जाति का महापुरुष चस्पा किए हो तो बदल के 5 कर लो। और अंतर जाति विवाह जितना हो सके उतना कोशिश करो, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का सिस्टम, सीढ़ी अगर लगी हुई है इस दीवार पे, इधर से सीढ़ी हटाओगे तो इधर टिक जाएगी, इधर से हटाओगे तो इधर टिक जाएगी, लेकिन नीचे से हटाओगे तो भरभरा के गिर जाएगी। वर्ण व्यवस्था का सिस्टम इसलिए चल पा रहा है क्योंकि सबको ही अपने कंफर्ट जोन में है। अगर किसी ओबीसी की तथा कथित सक्षम जाति को किसी सवर्ण व्यक्ति ने कहा तुम हमसे नीचे, अच्छा तुमने कहा कि हम तुमसे नीचे, हमने क्या किया उसको खत्म करने की कोशिश नहीं की और नीचे देखा, तुम हमसे नीचे तो ये हमसे नीचे। फिर जिस नीचे वाले को देखा उसने कहा अच्छा ये हमसे नीचे। और नीचे करते करते जो जाति व्यवस्था का दंश झेलने वाली जातियां हैं वो भी कहते हैं कि ये हमसे नीचे, उनमें भी आपस में रोटी बेटी और शादियों के संबंध नहीं। तो जाति व्यवस्था को ओढ़ बिछा कौन रहा है, कौन ढो रहा है, इस चीज का जिस दिन जवाब ढूंढ लोगे उस दिन किसी को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन 2 कॉम्बिनेशन के महापुरुषों को आज याद किया जा रहा है, मैं कॉम्बिनेशन क्यों कह रहा हूं, मैं विशेष तौर पर अनुरोध करता हूं ओबीसी वर्ग से और एससी वर्ग के लोगों से कि इन 2 महापुरुषों को कभी अकेले याद मत करो। जयंतियां भी आसपास पड़ती हैं और वैसे भी बाबा साहब जिनको गुरु मानते थे उनमें ज्योतिबा फूले भी शामिल हैं, तो इन दोनों को कभी भी अलग अलग तो कतई मत याद करो, और अलग अलग करना भी है तो दोनों को याद करो। गलतियां अगर इस तरफ से हो रही कि हम सिर्फ ज्योतिबा फूले की मनाएंगे बाबा साहब को छोड़ देंगे तब भी काम नहीं बनेगा, हम बाबा साहब की मनाएंगे ज्योतिबा फूले साहब को छोड़ देंगे तब भी काम नहीं बनेगा। इस मंच पर जो बातें हो रही थी उनमें एक बात आई अर्ध क्रांति और संपूर्ण क्रांति, तो मेरी आदत खराब है। खैर जो गाड़ी मुझे सुबह लेने आई थी वो गाड़ी अंबेडकरवादी विचारधारा के अनुरूप, ज्योतिबा फूले साहब की विचारधारा के अनुरूप तो कतई नहीं थी। तो यहीं पर अर्ध क्रांति और संपूर्ण क्रांति का फर्क है। अर्ध क्रांति ये है कि अपने आप को ओबीसी या एससी एसटी मान लेना, अपने आप को आरक्षण का समर्थक मान लेना, ये अर्ध क्रांति है। लेकिन संपूर्ण क्रांति ये है जब हम ये माने कि हम
वचन से, कर्म से, भाषण से, आचरण से संपूर्ण अंबेडकरवादी और संपूर्ण अर्जकवादी और संपूर्ण तर्कवादी है। वो कैसे हो पाएगा? गाड़ियों से जितने भी पाखंडी प्रतीक चिन्ह हैं उनको हटाना पड़ेगा, गले से, हाथ से, शरीर से तो हटाना ही पड़ेगा, लेकिन जिन वाहनों में आप चलते हो अगर उन वाहनों में किसी भी तरह का पाखंडी प्रतीक चिन्ह रखते हो तो इंश्योरेंस क्यों करवाते हो? इसका मतलब उन चिन्हों पर लटकते हुए किसी भी तुम्हें जो आइटम रखते हो उन पे भरोसा नहीं है, और अगर भरोसा है तो इंश्योरेंस करवाना बंद कर दो, वो प्रतीक चिन्ह तुम्हें बचा लेगा। ये दोहरे डिलेमा में मत जियो, ना समाज को दोहरी स्थिति में डालो। बार बार मंचों से मनुवाद गलत है, ब्राह्मणवाद गलत है, ये सत्ताएं गलत हैं, वो सत्ताएं गलत हैं। किसने तुम्हारी गाड़ी में वो पीछे स्टिकर चिपकाया? और एक और अनुरोध है कि भाई जिनको तुमने बाहर चिपका दिया वो बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं, देखना उस स्टिकर को दोबारा। वो गुस्से में इसलिए क्योंकि तुमने धूप में चिपका दिया, खुद एसी में बैठे हो और पीछे तुमने चिपका दिया तो नाराज हो रहे हैं। 2014 से पहले जो तमाम देवी देवता खुश रहते थे 2014 के बाद अचानक से उग्र हो गए हैं। आप पहले वाले राम को देखिए, यह अलग बात है कि मैं राम में विश्वास करता हूं कि नहीं, ये मेरा निजी मसला है, लेकिन जो रखते हैं उनसे मेरा सवाल है कि 2014 के पहले वाले राम देखिए, बड़े आपको सौम्य शालीन दिखेंगे, 2014 के बाद अचानक से तीर कमान तन गया है, युद्ध की मुद्रा में हमेशा है। 2014 के पहले जो बजरंगबली बड़े शालीन रहते थे हाथ जोड़े हुए, वो गाड़ियों के पीछे चिपके हुए गुस्से में नजर आने लगे, एकदम रौद्र रूप लिए हुए। जो शंकर भोले भाले कहे जाते थे उस शंकर का स्वरूप देखिए आप किस तरीके कर दिया है। तो ये हम लोगों ने तो नहीं किया, जो नाजुक और छुईमुई वाली धार्मिक भावनाएं वाले लोग हैं उन्हीं ने किया है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। चूंकि मैं संपूर्ण क्रांति का पक्षधर हूं, मैं महामना रामस्वरूप वर्मा का, बाबा साहब का, जगदेव बाबू का, महाराज सिंह भारती का, पेरियार का चेला हूं, इसलिए मैं उस संपूर्ण क्रांति की बात करूंगा जिसमें मेरा अनुरोध है, मेरा व्यक्तिगत ये वो है कि हम कम से कम उदाहरण देते समय काल्पनिक उदाहरणों को समाज में प्रस्तुत ना करें। काल्पनिक उदाहरण कहने का मतलब जो जिनसे हमारी लड़ाई है, जो हमें समय समय पर पाखंड और अंधविश्वास में ढकेलना चाहते हैं, ताली थाली पिटवाना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप इस समाज को वाल्मीकि का वंशज बताओ, वो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप वेदव्यास को इस जाति का बताओ। जब मुझे नहीं पता, मेरी नजर में जितने भी ये तथा कथित, मेरे नजर में तो एक ही पवित्र ग्रंथ है, वो हमारा संविधान है। अब जितने भी ये तथा कथित ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को लिखने वाले को अगर आप किसी समाज से जोड़ रहे हैं तो फिर उनको काल्पनिक कैसे मान रहे हैं? अगर वो काल्पनिक हैं तो उनके आधार पर किसी को किसी समाज से जोड़ना ठीक नहीं है। यादव, वो तो चाहते हैं कि यादव समाज को बताओ कि श्रीकंठ तुम्हारे थे, वो तो चाहते ही हैं कि अपना अपना एक एक देवी देवता पकड़ करके टहलो। अगर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश में तकलीफ है क्योंकि बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ले ली, तो अपनी जाति का ले लो, कृष्ण है तुम्हारी जाति के, लौकिक समीकरण यहां चल रहा है बिहार में, अपनी अपनी जाति पकड़ लो, कुशवाहा अपनी जाति पकड़ लें, कुर्मी अपनी जाति पकड़ लें, सबके पास एक एक भगवान है। तो अगर संपूर्ण क्रांति का बदलाव करना है तो इन प्रतीक चिन्हों का उदाहरण भी देना बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी संभोग वध की चर्चा नहीं करता, क्योंकि काल्पनिक चीज की चर्चा क्यों करूं? जो काल्पनिक ही है उसको क्यों बताऊं समाज में कि तुम्हारे साथ ये हुआ था? हुआ ही नहीं था। ये उसी तरीके से काल्पनिक है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे एक वीर महाराजा के साथ जोड़ देना कि बाएं पैर के अंगूठे से राजतिलक हुआ था। मैं चुनौती देता हूं इस मंच से, मामजी देशमुख एक इतिहासकार हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने इस बात को चैलेंज किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर और मनुस्मृति के घोर विरोधी महाराजा का राजतिलक करने की हैसियत ब्राह्मणों में थी ही नहीं, और वो भी बाएं पैर के अंगूठे से। ये कहानियां क्यों आपके साथ जोड़ी जाती हैं? इसलिए जोड़ी जाती हैं कि तुम्हारा बहुजन प्रतिपालक महाराजा इतना सौरवीर और महावीर हो कैसे सकता है, उसको नीचा दिखाओ। उसी तरीके से जैसे तुम्हारे चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान हो कैसे सकते हैं, उनके साथ चाणक्य चिपकाओ। तुम्हारे कबीर, संत कबीर
जिनके विचारों को हम सब फॉलो करते हैं, जन्म मृत्यु पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे, ये बता देंगे कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। जन्म नहीं पता कहां हुआ, लेकिन यह पता चल गया कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वैसे ही जैसे शिवाजी महाराज के साथ दादाजी कोणदेव को जोड़ देना, जबकि पूरी महाराष्ट्र में जितने भी शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं वो सब कहते हैं कि दादाजी कोणदेव जैसा कैरेक्टर शिवाजी के साथ था ही नहीं। तो मैं सिर्फ इतना अनुरोध कर रहा हूं, संवैधानिक नजरिए से भी अगर हम संवैधानिक हैं तो संविधान धर्म निरपेक्षता की उम्मीद करता है, वो धार्मिक रूप से कट्टर कतई नहीं है। तो उतने प्रतीक चिन्हों को अगर अपने आप को, देखिए अंबेडकरवादी होना ये कोई 5 मिनट का कोई ऐसे नहीं है कि हमने बड़े जोर जोर से जय भीम के नारे लगा दिए या नमो बुद्धाय बड़े जोर से कह दिया, बाबा साहब को पूज लिया, उनकी तस्वीर को अगरबत्ती दिखा दी, इतना आसान नहीं है। अंबेडकरवादी होना, तर्कवादी होना, अर्जकवादी होना एक कठिन तपस्या है। उसके लिए आपको अपना आचरण ठीक करना होता है। मैं विभिन्न मंचों से कहता हूं और आप लोगों से भी ये बात कहता हूं, एक ये कहा था ना कि एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति को जोड़ो और उसको प्रसार प्रसार करो अपने मिशन का, तो दूसरे व्यक्ति को तो बाद में जोड़ो, पहले अपने पत्नी बच्चे ही को जोड़ लो। समस्या यह है कि मेरे जैसे तमाम भाषणवीर जो मंचों पर मनुवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, संविधानवाद की बातें करते हैं, उन्हीं के घरों में तमाम लोगों के मनुवाद के एजेंट पल रहे होते हैं। हम बताते हैं बच्चे, बेटा गोबर है, गणेश समझ के मत पूजना, घर में नहीं समझाया, वो गोबर को गणेश बना के पुजवा रहे हैं। ये केनरा बैंक का कार्यक्रम है, SC ST एम्प्लॉयज में महिलाएं भी होंगी, और नहीं होंगी तो जितने एम्प्लॉयज आए हैं उनकी पत्नियां घरों में होंगी, छुट्टी का दिन भी है। नीरज भाई हम तो बदल गए, पत्नी नहीं मान रही हमारे, बच्चे नहीं मान रहे, बाकी बदलाव हो जाता। बचपन से एक एक कहानी पढ़ी है, रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान, एक बार कार्यक्रम में लाओ, दो बार लाओ, तीन बार लाओ, चार बार लाओ, झक मार करके वो भी आपकी तरह अंबेडकरवादी हो जाएंगी, लेकिन कार्यक्रमों में लाना पड़ेगा। यही चीज वोटिंग पैटर्न में भी नजर आती है। मैं इस बार बहुत सारी लोकसभाओं में कवर करने गया, नीरज भाई जितने जागरूक पुरुष हैं इनको तो बात समझ में आ रही है संविधान की, आरक्षण की, महिलाएं नहीं समझ रही, तो तुमने समझाने की कोशिश कहां की, कोशिश की क्या समझाने की, ट्राई भी नहीं मारा गया ठीक ढंग से, तो समझेंगी कहां। जिनका वोट इंडिया गठबंधन ने मांगा, बहुत प्यार से इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया, जिनका वोट NDA ने मांगा बहुत प्यार से उनको NDA ने दे दिया, एक ऐसा वोट है जिससे किसी ने वोट नहीं मांगा, उसने किसको दिया, किसको दिया, बीजेपी को, क्यों दिया, नोटा को नहीं, बीजेपी को दिया, क्योंकि जिसका वोट किसी ने नहीं मांगा उसका वोट TV ने मांगा। 24 घंटे उसने बताया आपके घर में रह करके, अच्छा आदमी है दाढ़ी वाला, बहुत मेहनत करता है, बहुत एनर्जी वाला है, बहुत पावरफुल है, दुनिया बदल देगा, देश बदल देगा, महिलाएं बदल देगा, कोई वोट मांगने नहीं गया, TV ने मांग लिया घर बैठे। और आप ऊपर ऊपर हवा हवा में अंबेडकरवादी और तर्कवादी और संविधानवादी बने रहे, घर में मामला डिफरेंट है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि सामने वाले की तरफ उंगली करने से पहले उंगलियां अपनी तरफ करो, अपनी तरफ, और खुद से ये पूछो कि जिस समय ये दौर चल रहा था संक्रमण काल, उस दौर में हम अपनी भूमिका, हम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे थे। और ये बात गर्व से क्यों कह पाता हूं मंचों से, क्योंकि मैं कहता हूं कि लोग आपका भाषण नहीं आचरण फॉलो करते हैं। यही बात सुमित भाई इस बात के गवाह हैं, राहुल गांधी जी से यही बात मैंने कही थी जब मुलाकात हुई थी मेरी, मैंने कहा आप बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं संविधान पर, आरक्षण पर और तमाम चीजों पे, लेकिन ना आपके संगठन में नजर आती है ये बात, ना आपके टिकट वितरण में नजर आती है, ना आपके इर्द गिर्द नजर आती है। मेरा काम है कहना, तो जहां जाऊंगा वहां कहूंगा। तो आप लोगों से भी ये बात कह रहा हूं कि उतना ही मंच पे बोला जाए जितना अपने जीवन में किया जाए, तब भी परिवर्तन हो जाएगा। मैं अन्ना हजारे मूवमेंट के समय में हिंदुस्तान पेपर में सीनियर सब एडिटर हुआ करता था, ऑफिस में मेरे अलावा सारे लोग अन्ना हजारे आंदोलन से
सहमत थे, केवल मैं दूर रहता था। एक दिन संपादक जी ने पूछा मुझसे, नीरज भाई आप क्यों इससे सहमत नहीं हो? तो हमने कहा आप सहमत हो क्या? तो बोले हाँ। तो हमने क्यों, अन्ना हजारे आंदोलन में क्या खास बात है? बोले अरे भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चल रहा है। तो हमने कहा इसका मतलब आप भ्रष्टाचार के विरोध में हैं? बोले बिल्कुल हैं। तो हमने कहा दीपावली और दशहरे में गिफ्ट कहाँ से आते हैं बड़े बड़े, ये कमरा कैसे भर जाता है आपका? तो वही देखिए, अब सवाल को मैं लिंक कर रहा हूं। उस समय मेरा सवाल ये था, कहा जा रहा था पूरा देश उसके विरोध में है भ्रष्टाचार के, कहा गया था ना उस समय पूरा देश भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में लगा है। तो उस समय मेरा जो सवाल था कि अगर सारा देश भ्रष्टाचार के विरोध में था तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा था? वैसे ही इतने कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, इतनी जगह हम सब लोगों को कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, इतने सारे मंचों पर पाखंड विरोध की, अंधविश्वास विरोध की बातें की जाती हैं, तो पर पाखंड और अंधविश्वास कर कौन रहा है? जब सारे लोग हो गए, समस्या यह है कि यहां भी है और कथावाचकों के पांडाल में भी है। भाई यहां नहीं लाओगे तो कथावाचकों के पांडाल में ही जाके बैठेंगी महिलाएं, कहीं तो टाइम पास होगा। यहां के प्रवचन सुनवा लो, नहीं तो वो वहां की सुनेंगी, और वहां के सुनेंगी तो सीहोर वाला बताएगा कि साल भर बच्चे को स्कूल मत भेजो, शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो, बच्चा पास हो जाएगा। वही बताता है, मैं नहीं बता रहा। या तो ये सुनवा लो या फिर ये सुनवा लो कि बिना स्कूल जाए बिना बच्चों का भविष्य नहीं संवर सकता। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो मंदिर की घंटी या स्कूल का घंटा। अब आपको तय करना है कि बच्चे को किस दिशा में ले जाना है। तो जब संविधान की हम बात करते हैं तो एक और बात, चूंकि इलेक्शन से अभी अभी निपटे हैं तो इलेक्शन से उबर नहीं पा रहा हूं, अच्छा वकील, अच्छा पत्रकार, अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा बैंकर, कोई हो, सबके लिए सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय केवल राजनीति में छुपा है। जो फेमस हो गया किसी भी विधा से, सबको चुनाव लड़ना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इलेक्शन का विरोधी नहीं हूं, कि मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग आए, लेकिन 10 लोग अगर फेमस हैं तो 10 में से 9 लड़ना चाह रहे हैं, इस बात का मैं खिलाफ हूं। आप अच्छे एडवोकेट हैं, एडवोकेसी में भी आप राजनीति कर सकते हैं, वहां भी बार एसोसिएशन और तमाम चुनाव होते हैं। आप अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकारों की भी लीडरशिप कर सकते हैं, तमाम लोगों को पत्रकार के रूप में आप डेवलप कर सकते हैं। आप प्रोफेसर हैं, आप शिक्षक संघ की राजनीति कर सकते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सामाजिक परिवर्तन की बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, माननीय कांसी राम साहब ने कहा था कि सत्ता हड़ताले की कुंजी है। क्यों? मैं फिर कहता हूं, बाबा साहब ने राजनीति की थी, जिन दो महापुरुषों की आज जयंतियां मना रहे हैं दोनों ही बराबर के हकदार हैं। जबकि जो अगर बाबा साहब के नजरिए से देखें तो ज्योतिबा फूले ज्यादा सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि उनके गुरु थे। ज्योतिबा फूले ने चुनाव नहीं लड़ा था, बाबा साहब ने चुनाव लड़ा था। इसलिए केवल यह कह देना कि केवल राजनीति से ही परिवर्तन संभव है, यह भी ठीक बात नहीं है। यह अपने आप को सेफ जोन में ले जाने की बात है। फिर मैं कहता हूं कि मकसद क्या है, बाबा साहब की राजनीति का मकसद क्या था, और आप जो कांसीराम साहब की आड़ में राजनीति को हड़ताले की कुंजी बता रहे हैं, उसका मकसद क्या है, कितना सामाजिक बदलाव करना चाहते हो? लेकिन कांसीराम साहब की एक लाइन राजनीति हड़ताले की कुंजी है, क्योंकि इजी है ना ये, 10 साल संघर्ष किया फिर सत्ता में आ गए तो कुछ मलाई मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की बात में 30-40 साल हो सकता है इसे निपट जाए, तो वो बात करना कठिन है। उन्हीं माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि राजनीति हड़ताले की कुंजी तो है, लेकिन बिना सामाजिक परिवर्तन के अगर राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो बहुजनों के किसी काम का नहीं रहेगा। ये भूल जाते हैं, क्योंकि ये कठिन रास्ता है, इसमें हो सकता है लंबा संघर्ष हो जाए, हो सकता है 20 साल पूछा जाए, नीरज भाई 20 साल से भाषण दे रहे हो, तुम्हें मिला क्या है? तो ये मामला कठिन वाला मामला है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं इसी सामाजिक परिवर्तन का हिमायती हूं, और इसी सामाजिक परिवर्तन के बाद असली सामाजिक न्याय लागू किया जा सकता है। बिना सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक न्याय की बात भी बेमानी है। अगर आप पिछली बार हम लोगों ने मंचों से कहा था कि हो सकता है इसी बिहार की जमीन से परिवर्तन की बयार बहे, लेकिन मुझे गर्व है कि इस बार उत्तर प्रदेश ने वो परिवर्तन कर दिया।
और क्यों किया, क्यों किया, इसको रिसर्च का विषय है, इसकी ज्यादा तह में नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो मंचों पे बोला जाए, जो सामाजिक न्याय की बात की जाए, वो आपके टिकट वितरण में दिखाई दे, वो आपके संगठन में दिखाई दे। केवल परिवार से लोगों को डेवलप करने की सोचोगे, कितना भी अच्छा बोल लो, कितना भी भीड़ जुटा लो, कितना भी लहला लो, लेकिन वो चीज वोटिंग में बहुत बड़े रूप में परिवर्तित नहीं होगी। इस बार उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने काफी हद तक इस पर संतुलन साधा, तो परिणाम भी ठीक गए। यहां पर जो विपक्ष में थे, मैं भी बड़ी पहले हैरत में था कि गड़बड़ी कहां पर हुई। गड़बड़ी तुरंत निकल के आ गई, 13 टिकट में से 8 टिकट एक ही जाति को दोगे, गड़बड़ी होगी। अच्छा लगे बुरा लगे, फैक्ट यही है। जब सामाजिक न्याय की बात करो तो हिस्सा सबको देना पड़ेगा, केवल मनुवाद को, बीजेपी को, आरएसएस को गाली देने से काम नहीं चलेगा। एकदम क्लियर बात समझ लीजिए, हिस्सा, क्योंकि संविधान ने, सवाल है ना कि संविधान क्यों जरूरी है, संविधान की बदौलत इतनी जागरूकता तो लोगों में आ ही गई है, क्योंकि संविधान की बदौलत हम सब अपना अपना चैनल चला रहे हैं, उसी संविधान की अभिव्यक्ति की आजादी के तहत, वही संविधान की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के तहत बीरेंद्र जी जैसे लोगों की हिम्मत पड़ जाती है कि हम जैसे लोगों को कार्यक्रमों में बुला लें, इसलिए संविधान की जरूरत है। तो उसी संविधान की बदौलत जो चैनल्स बने, जो सोशल मीडिया पर लोगों ने पैरेलल मीडिया खड़ा किया, उसने लोगों में इतनी जागृति दे दी है कि टॉर्च लगाकर मंच पर अपना हिस्सा जरूर देखो, कि कोई मूर्ख तो नहीं बना रहा है तुम्हें बढ़िया बढ़िया लच्छेदारी बातों में उलझा करके। तो जब लोगों ने अपना हिस्सा ढूंढा, नहीं दिखाई दिया, तो कितना भी अच्छा बोल लो समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूं भाषण और आचरण सेम रखो। अगर मैं ये बात बोल पा रहा हूं तो इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी, मैं जैसा हूं वो तो हूं, मेरी पत्नी और बच्चे भी ऐसे ही हैं। मेरी पत्नी, जो तमाम महिलाओं से कहना चाहता हूं कि अंबेडकरवादी होने का मतलब है आचरण से पवित्र होना, और आचरण का मतलब है कि जो टॉपअप रिचार्ज टीवी सीरियल में देख के शुरू हो गया है, 1 साल का टॉपअप 1 साल पति चलेगा, होने लगा ना 1 साल का टॉपअप, पहले पूरे देश में नहीं होता था, टीवी सीरियल से और शुरू हो गया, 1 साल का रिचार्ज भरो पति 1 साल चलेगा करवा चौथ में, फिर अगले साल टॉपअप करो फिर 1 साल चलेगा। तो मैं बिना टॉपअप के जीवित हूं, 5 साल हो गए हम लोग बिना टॉपअप वाले लोग हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत आई नहीं अभी तक। तो ये टॉपअप वॉपअप करना बंद करिए। बच्चों को अंबेडकरवादी बनाना है तो उससे पहले तर्कवादी बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आस्था और अंधविश्वास में क्या बारीक फर्क होता है। हैरत की बात यह है कि इस देश में लोगों को मूर्ख बनाना तो आसान है, यह समझाना मुश्किल है कि मूर्ख बना दिए गए हो। मंचों पे बड़ी बड़ी भाषण हर बार होते हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं, लेकिन झोली वाला बाबा आता है, जुमले सुनाता है, रासल का जाल बिछाता है, जाति का मुखौटा दिखाता और हम फंस जाते हैं। तो रट्टू तोता बनने की बजाय, अगर जितने लोग यहां बैठे हैं इंडिविजुअल, अगर यही लोग अपने शरीर को पहले शुद्ध कर लें, और शुद्ध कहने का मतलब जो पाखंड की 3 निशानियां हैं, 1, 2 और 3, यही ठीक कर लो पहले, तब तो बाकी और, कि पत्नी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे, वो तो बाद में पहले निपटा जाएगा, पहले कम से कम यही तो ठीक कर लो। तो मैं यही सब अनुरोध आप लोगों से लेकर के आया था कि किसी भी महापुरुष को अगर आप देखेंगे, तो कोई भी महापुरुष, जितने अपने बहुजन समाज में जिन लोगों की हम जयंतियां मनाते हैं, वो किसी भी एक वजह से फेमस नहीं हुए, सबके बहुआयामी रूप थे। किसी ने सामाजिक सेवा में इस दिशा में काम किया, किसी ने मृत्यु भोज पर काम किया, किसी ने अन्य कुरूतियों पर काम किया, किसी ने इंटरकास्ट मैरिजेस पर काम किया। अगर आप संवैधानिक लोग हैं तो इंटरकास्ट मैरिज से अच्छा मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने का, कोई दूसरा तरीका नहीं है। यही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने कहा, और यही जाति पाति तोड़क मंडल बनाकर के संतराम बी ए प्रजापति ने कहा। उन्हीं के कार्यक्रम में लाहौर जा रहे थे बाबा साहब,
जब नहीं बोल पाए तो उसको जो भाषण था उसको किताब की शक्ल में तब्दील कर दिया, वही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। उसमें एक सबसे अच्छा फॉर्मूला बताया गया है, अंतरजाति विवाह। और अंतरजाति विवाह का मतलब ये वाला नहीं कि भाई IAS IAS हैं, पसंद कर लिया अपना, लव मैरिज हो गई, भाई हमारे बेटे ने तो अंतरजाति विवाह किया है, मजबूरी है, करना पड़ेगा तुमको, वो नहीं। हम समाज को इस लेवल तक लाना चाहते हैं अंतरजाति विवाह में कि कुर्मी समाज का व्यक्ति को अगर मौर्य समाज में यानी कि कोयरी में कोई रिश्ता पसंद आ रहा है, यादव में, वाल्मीकि में, तो अपनी तरफ से रिश्ता लेकर के जाए जैसे जाता है सामान्य अपनी जाति में। अंतर समझ में आ गया दोनों में कि भाई बड़े बड़े पदों पर लड़के लड़की ने पसंद कर लिया, वो तो करना अभी से क्या कर रहा है, वो तो पहले से हो रहे हैं, उसमें तुम्हारा कौन सा एहसान है। लेकिन बदलने का मतलब ये है कि आप रिश्ता लेकर के जाना शुरू कर दें। जैसे मेरी भांजी की अभी शादी होनी है, मुझे एक यादव का रिश्ता पसंद आया, मैं लेके गया, नहीं बनी बात वो अलग चीज़ है, लेकिन इस लेवल तक आना पड़ेगा कि हम रिश्ता लेकर के जाने लगे, वो एक्चुअल में अंतरजाति विवाह होगा। और अंतरजाति विवाह से सोचो कितनी सूरवीर और महान संतान पैदा होती है। शिवाजी सबसे बड़ा उदाहरण है, जीजाबाई जाधव कुल से थी और उनके पिताजी शाहजी भोसले भोसले कुल से थे, जिनको लोग कुनवी मानते हैं वहां पे महाराष्ट्र में। दोनों से उत्पन्न कितने पहले का अंतरजाति विवाह था, उससे उत्पन्न संतान शिवाजी जैसी वीर हुई, जिसने मनुस्मृति के नियमों को तोड़ते हुए सबसे पहले भास्कर कुलकर्णी का गला अपनी भरी अदालत में काट दिया था, जिसने मनुस्मृति के नियमों को तोड़ते हुए अपने बेटे शाहजी भोसले को तमाम वेदों का अध्ययन करवाया था, जबकि उस समय शूद्रों को मना था ये सब कराना। ये छोटे 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 सुझाव हैं जिनमें पैसा नहीं लगता। एक और बिन कम खर्च का सुझाव है कि अगर आपके घर में केवल आप अपनी जाति के महापुरुष चस्पा किए हो और अपने आप को बहुजनवादी बताते हो, तो थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए, चार पांच महापुरुष बगल में और लगा दीजिए, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। ये कंफ्यूजन पैदा कर दीजिए जब कोई आपके घर में आए कि मानता किसको है। ये जो कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन से मनुवादी हिलते हैं। बाकी जाति महासभा बना करके जितना गरजोगे उतना ब्राह्मणवाद को मजबूत करोगे। इसलिए मैं आप लोगों से और अपील करता हूं एक, कि अगर किसी भी ऐसे संगठन में हो, जैसे किसी वक्ता ने अभी कहा था ना कि इतनी जातियों को बाबा साहब ने 5-6 जातियों में समेट दिया था, तो उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि शोषक की एक जाति होती है, शोषक की, लेकिन शोषण करने वालों की अनेक जातियां हैं जिनका शोषण हो रहा है। मतलब जो शोषक है उसने एक जाति बना ली अपनी सवर्ण, लेकिन जिनका शोषण हो रहा है वो अनेकों जातियों में बिखरे हुए हैं। तो अगर ये नहीं चाहते हो तो अगर SC ST एसोसिएशन में हो, OBC एसोसिएशन में हो, किसी बहुजन मूवमेंट में हो, तो जाति के कार्यक्रमों में जाना बंद कर दो, जाति महासभाओं में। अभी भी समाज में ये दोहरा चरित्र है कि हम ST ST एसोसिएशन में भी हैं, OBC महासभा में भी हैं और जाति महासभा के प्रदेश अधिकारी भी हैं। ये दोनों कंफ्यूजनों की चक्कर में समाज का मटिया मेट हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि आचरण की पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जाति महासभाओं में जा रहे हो तो अपने आप को बहुजनवादी कहना बंद कर दो, क्योंकि अब होता क्या है, जाति महासभाओं को भी बता देता हूं दिक्कत क्या होती है। जब से मैंने, पहले मैं एक जाति का था, कुर्मी था, फिर मैं OBC हुआ, फिर मैं बहुजन हुआ, अब मैं तर्कवादी हो गया हूं। आप मुझे अर्जकवादी कह लें, तर्कवादी कह लें, अंबेडकरवादी कह लें, मेरे लिए शब्द ज्यादा सुटेबल हैं। तो जब मैं बदलते हुए फॉर्म में आया तो मैंने तमाम फेजेस में, मैंने जातिवाद भी पहले खूब किया, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूं तो पाखंडवाद भी खूब किया, इसीलिए तो तुलना ज्यादा अच्छी कर लेता हूं। तो जातिवाद जब खूब किया तो मैंने अंतर समझ लिया कि जो लोग रोते हैं IAS का रिजल्ट निकलने के बाद या PCS का रिजल्ट निकलने के बाद कि नीरज भाई फिर वो ज्यादा हो गए, जब से मैं इस बहुजन कॉन्सेप्ट में आया मैंने किसी भी तथाकथित सत्ता वाले लोगों से मदद मांगना बंद कर दिया। न किसी विधायक, सांसद, मंत्री, मुझे आवश्यकता ही नहीं लगती है। वजह पता क्या है, जब IAS PCS या IIT MBBS नीट की जब लिस्ट निकलती है तो जाति महासभाएं क्या करती हैं, अपनी अपनी जाति के कुलभूषण पैदा करती हैं। हमारी जाति में इतने कुलभूषण हुए तो संख्या रहती इतनी, कोई थोड़ा ठीक ठाक सक्षम जाति है तो इतनी हो जाएगी,
किसी की इतनी रह जाएगी, किसी की इतनी होगी, और उनकी इतनी रहती है। लेकिन जब आप बहुजन लिस्ट बनाते हो बहुजन के आधार पर, तो उनकी इतनी होती है, बहुजन की इतनी होती है। जब मैं सचिवालय में घुसता हूं, उत्तर प्रदेश सचिवालय में, तो दूसरे लोग रोना रोते हैं, नीरज भाई हमारे लोग हैं ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए हमारे की परिभाषा प्रजापति है, मौर्य है, यादव है, कुर्मी है, सब अलग अलग लिस्ट बनाए घूमते हैं कि हमारे बोर्ड कितने हैं। लेकिन मेरे लिए बहुजन है तो मैं कहता हूं हमारी इतनी है। किसी भी विभाग में, किसी भी बैंक में, कैनरा बैंक में मैं कह रहा हूं, बहुजन कॉन्सेप्ट के आधार पर आपकी संख्या 100% ज्यादा निकलेगी। किसी भी सचिवालय में, किसी भी ऑफिस में आपकी संख्या 100% ज्यादा निकलेगी, बस आप बहुजन कॉन्सेप्ट के आधार पर काम कर रहे हो तो, वरना तो कम रहनी रहनी है। तो अब आप तय कर लीजिए कि ज्यादा संख्या बल के साथ खड़े होना है या कुलभूषण तैयार करने हैं। और कुलभूषण तैयार करने में एक और तकलीफ होती है, जाग जाओ कुर्मी क्षत्रिय सूरवीरों, जाग जाओ यदुवंश के लोगों, जाग जाओ मौर्यवंशी खानदान के लोगों। तो इसमें होता पता क्या है, जो बेचारा अपने भाई बंधु चौरसिया कोई समाज का व्यक्ति पीछे बैठा होगा, या कोई निषाद समाज का व्यक्ति पीछे बैठा होगा, वो कहेगा अच्छा ये गांव में रहने वाली जातियां हैं, जाग गई तो डंडा किसके खिलाफ चलेगा, हमारे ही खिलाफ। अब बेटा इलेक्शन में आना तो हमको बताएं, चुनाव तुम्हीं को लड़ना है क्योंकि तुम्हारी संख्या ज्यादा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी मुझे छलावा लगता है, ना ही क्या करे मर जाए भाई, जिसकी जितनी संख्या बारी में 3-4 जातियों को तो मिल जाता है, बाकी क्या करे, उसका भी कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा ना। तो अब जिसकी जितनी संख्या बारी के आधार पर टिकट मिलना है इन्हीं जातियों को, अब जिसको नहीं मिलना है उसने कहा अच्छा बहुत जागा रहे मिला है, वोट देंगे हम अपने हिसाब से। तो जाग जाओ के चक्कर में आपका भाई तो नाराज हो गया, वो जाग गए जिनके खिलाफ आपकी लड़ाई है, उन्होंने समझ लिया कि ये जाग रहे हैं, इनको कैसे रोकना है। इसलिए अंतिम शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा कि जब इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में आओ तो प्लीज गाड़ी में 5 लोग अगर बैठे हैं तो 5 लोग एक जाति के बैठा करके मत लाओ। गाड़ी में अगर 5 पुरुष हैं तो 1-2 महिलाएं बैठा लो घर की। और घर में अगर एक जाति का महापुरुष चस्पा किए हो तो बदल के 5 कर लो। और अंतर जाति विवाह जितना हो सके उतना कोशिश करो, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का सिस्टम, सीढ़ी अगर लगी हुई है इस दीवाल पे, इधर से सीढ़ी हटाओगे तो इधर टिक जाएगी, इधर से हटाओगे तो इधर टिक जाएगी, लेकिन नीचे से हटाओगे तो भरभरा के गिर जाएगी। वर्ण व्यवस्था का सिस्टम इसलिए चल पा रहा है क्योंकि सब कोई अपने कंफर्ट जोन में है। अगर किसी ओबीसी की तथा कथित सक्षम जाति को किसी सवर्ण व्यक्ति ने कहा तुम हमसे नीचे, अच्छा तुमने कहा कि हम तुमसे नीचे, हमने क्या किया उसको खत्म करने की कोशिश नहीं की और नीचे देखा, तुम हमसे नीचे तो ये हमसे नीचे, फिर जिस नीचे वाले को देखा उसने कहा अच्छा ये हमसे नीचे, और नीचे करते करते जो जाति व्यवस्था का दंश झेलने वाली जातियां हैं वो भी कहते हैं कि ये हमसे नीचे, उनमें भी आपस में रोटी बेटी और शादियों के संबंध नहीं है। तो जाति व्यवस्था को ओर बिछा कौन रहा है, कौन ढो रहा है, इस चीज का जिस दिन जवाब ढूंढ लोगे उस दिन किसी को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सामने उंगली करने से पहले उंगलियां अपनी तरफ करो और अपने से सवाल पूछो, तभी ये सरकारें समझ पाएंगी कि इस देश के लोगों को अब मंदिर का घंटा नहीं विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी चाहिए, वरना वो लिटमस टेस्ट की तरह टेस्ट करते रहते हैं बीच बीच में कि चाहिए क्या। उन्होंने टेस्ट किया मोनोचवा के समय में, आप टेस्ट में पास हुए। उन्होंने टेस्ट किया चोटी कटवा के समय में, आप टेस्ट में पास हुए। फिर सरकार आई उन्हीं की, उन्होंने टेस्ट किया ताली थाली बजाओ दिया बुझाओ, सब लग गए अपनी अपनी बालकनी में ताली थाली पीटने। उन्होंने कहा बहुत सही ठीक चल रहा है मामला, इनको राम मंदिर पकड़ाओ, इनको ना यूनिवर्सिटी की जरूरत, ना विश्वविद्यालय की जरूरत, ना नौकरी की जरूरत। इन्हीं शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा। कोशिश ये है कि अच्छे भाषण सुनना सबको ठीक लगता है कि भाई बड़ी अच्छी बातें कह दी, अगर यहां आए हुए 5 लोग ही मेरी बातों पर अमल कर लेते हैं तो मैं मान लूंगा मेरा पटना आना सफल है। क्यों? क्योंकि जब भी मंचों से पूछो कि कौन कौन सामाजिक परिवर्तन करना चाहता है, आप लोगों से पूछता हूं कौन कौन चाहता है कि सामाजिक परिवर्तन हो, बताइए, हाँ तो उठाइए, कौन कौन चाहता है,
अब इन्हीं लोगों से पूछो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए खुद परिवर्तन कौन करना चाहता है, तो कम हाथ उठेंगे। सामाजिक परिवर्तन के लिए दूसरे मसीहा की राह मत तलाशो, अपने अंदर से ताकत पैदा करो और गांव गली मोहल्ले में जो मीटिंग्स करो उनमें यह ध्यान रखो कि पत्रकार के अलावा कोई भी कार्यक्रम बिना काले कोट वालों के ना हो पाए। काले कोट वाले समझ रहे हो ना, वकील, 5 काले कोट वाले और 5 पत्रकार कैमरा वाले अगर आपके संगठन में हैं तो थाने की छोटी मोटी समस्याओं के लिए माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी को फोन करने की जरूरत नहीं है। बिना माननीयों के ही छोटी मोटी समस्याएं वैसे ही निपट लेंगी। लेकिन सम्मान देना शुरू करिए। हालांकि बहुजन समाज ने अब शुरू कर दिया है, पहले बस 2 ही लोगों को सम्मान दिया जाता था, ब्यूरोक्रेट्स को या नेता को। तो उन लोगों ने तो बहुत चीजें, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया। आज हम जिस धरातल पर खड़े हैं, हमसे पहले वालों ने सब उन्हीं की बदौलत खड़े हैं। लेकिन वक्त के साथ बदलना भी जरूरी है। तो समाज में प्रोफेसर्स को सम्मान दीजिए, पत्रकार को सम्मान दीजिए, वकील को सम्मान दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको हम मानते हो कि खलियर है केवल सामाजिक कामों में घूमता है, उसको सबसे ज्यादा सम्मान दीजिए। क्योंकि जो खलियर है वो आपके समाज के लिए फुल टाइमर है। जो खलियर नहीं है वो फुल टाइम क्या देगा, जो खलियर है वही समाज के काम आ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा कि इसी गलतफहमी में मेरी कौम गूंगी हो गई कि एक मेरे अकेले आवाज उठाने से क्या हो जाएगा। बहुत सी आवाजें अकेले उठी थी, इस चुनाव ने साबित किया। हम जितने भी भाई यहां मंच पर हैं लगातार ये बात चिल्लाते थे, इनने तो बाद में अडॉप्ट किया राजनीतिक दलों ने, हम लोग लगातार कहते थे कि अपनी पिच पर आओ, अपनी पिच पर आओ, अपनी पिच पर आओ, उनकी पिच पर खेलना बंद करो। इस बार ट्राई मारा गया अपनी पिच पर खेलना, बहुत हद तक परिवर्तन दिखाई दिया। मैं जनता की कमी नहीं मानता, जनता जागरूक है, नेतृत्व अगर उसको ईमानदारी से उसका नेतृत्व करने को तैयार है तो चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद। धन्यवाद।